मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ताली भी आ रहे हो? हीरे मोती से पेट थोड़ी भर जाता है बंदे का। मैं तो कहता हूँ गरीबों को परमात्मा दो वक्त की इज्जत की शराब दे दे। एक दिन चिकन नहीं भी मिलेगा हफ्ते में तो क्या है, मर थोड़ी जाऊंगा, मैं मीट खा लूंगा। मैं हैरानगी होती है अर्चना जी, मुझे कुछ लोग पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी बॉम्बे तो कभी गोवा, कभी गोवा तो कभी हैदराबाद। मुझे सॉरी आप नहीं, मुझे पता नहीं था आप भी जा रहे हो। नहीं, मेरी फीलिंग कोई तो समझे यार, आपको तो समझ आएगी नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कहीं बाहर चला जाऊँ, अमेरिका वगैरह। मैंने सुना है वहाँ पे रोटी के साथ साथ बोटी भी मिल जाती है। बोटी से मुझे याद आया, बोटी बिल्लो। नचदी ते खुल गए बाल, पग मेरी खुद कर ले, मैनू चढ़िया सोलवा साल पग मेरी। एक मिनट। हेलो, फ्लाइट 15 मिनट लेट हो सकती है। आए, आए, क्या मतलब है तेरा? नहीं, मैंने सोचा नहा के चला जाऊं, मैं बाहर जा रहा हूं ना। आए हाय, कैसा पति है मेरा देख लो, पूरा मोहल्ला इस ताक में है, है? कि मेरे घर में घुस जाए, और मेरा पति देखो बेवकूफ खुद बाहर जा रहा है। यार पैसे कमाने जाने ही पड़ता है। अब जाती बार तू टीका तो लगवा ले, मुझे पता है आती बार कलंक का ही लगवा के आएगा। बकवास ना कर तू। हाँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब मुंह मीठा कर ले। अच्छा, बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो, मीठा तो ठीक है, जरूरी चीज बोल रहे हो तुम? ये जरूरी चीज दे के छोड़ेगी, चल आ जा, दे दे। हराम जादे, बिना पासपोर्ट के अमेरिका जाएगा तू? ये ले पासपोर्ट। ओए, ये तो कृष्णा का है। ओह, लगता है आज गलती से पैसों की जगह पासपोर्ट रख गया वो। क्या कहा मुझसे हराम जादे की ये हिम्मत? पैसों की जगह वो पासपोर्ट रख गया। तो अपने को बड़ा स्मार्ट समझता है ना, एक बात बताऊं तेरे को, वो स्मार्ट है। कोई लड़की मेरी तरफ नहीं देखती, सारी उसी की तरफ देखती, यहाँ तक के रोहित शेट्टी फिल्म के लिए भी उसको ही मना करता है, मेरे को नहीं मना करता। तू जा रहा? जाना पड़ेगा। सच्ची जा रहा तू सी ना जाओ। जाना पड़ेगा। तो तू क्यों जिज्बाती हो रही, मैं मर थोड़ी, मैं आ जाऊंगा वापस यार। हंस क्यों रही है तू? कहते हैं जाती बार अपने पति को हंस के विदा करना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? जाना मैंने है एयरपोर्ट पे। हम जाते एयरपोर्ट तो यहाँ आ जाएगा, कैरेक्टर मुझे चेंज करने होते हैं। अमृतसर से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के सभी यात्री विमान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सिर्फ एक हरामजादा सुदेश नाम का आदमी अभी भी अपने घर पे है। हरामजादे जल्दी आ जाने तो फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। नहीं नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। इसमें बैठना यार, कहाँ है जहाज, किधर है? चिकन चिली, चिकन लॉलीपॉप, चिकन चाचा।
क्या चुहा? बेल्ट, बेल्ट चुहा। ओहो, बेल्ट चुहा बोल रही है। हाँ, टेक ऑफ। हेलो, तू तो एयर होस्टेस है, तू क्यों डर रही है? तेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? इतना ही खुलता है। सॉरी 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 सॉरी, मैं ना भूल गया था, आप चीनी हो ना, आपकी आंखें बंद ही रहती हैं। चीनी लोग का बाहर से आंख बंद होता है, अंदर से खुला होता है। इंडियन लोग बाहर से खुला होता है, अंदर से बंद होता है। मैसेज भी देती है। सुनो, आप इंडिया गए थे, इंडिया में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? वेरी गुड पीपल। हाँ जी, वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के लोग बहुत अच्छे। नो, पीपल का पेड़, ग्रीनरी। लो, ज्यादा मैसेज ना दे। शेट्टी साहब ने मैसेज के इतने नंबर नहीं देने जितने अर्चना ने काट लेने हैं। देखिए ना, सुनो, इंडिया में सबसे खराब कुत्ता। बकवास, तुम्ही से बात कर। कुत्ता कुत्ता बहुत है, कुत्ता बहुत है। तो तुम्हारे चाइना में कुत्ते नहीं होते? नहीं है, अभी तो खाने को भी नहीं मिलता। खाने के लिए क्या क्या है? हे, मक्की का रोटी। वाह वाह, देखो पहचान लेती है, चाहे चीनी है पंजाबी बैठा, मक्की की रोटी, वाह। नो नो, मक्की मक्की फ्लाई। साथ में सब्जी वगैरह क्या है? मूंगी का दाल। वाह, मूंग का दाल। नो नो, मूंगी मूंगी एंड मूंगी का दाल। ये कैसी एयर होस्टेस है यार, मैं वेज में आइटम मांग रहा हूँ तो ऐसी ऐसी दे रही है, अगर मैं नॉन वेज में मांगूंगा तो क्या देगी? गटर चिकन। ची ची नहीं, कॉकरोच का चटनी के साथ बहुत अच्छा है। फ्रेश फ्रेश चटनी, ये देखो ये देखो। इधर इधर इधर, तेरी शादी हो गई? शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया। ओ, क्यों? मेरा पति को डायबिटीज हो गया, डॉक्टर बोला चीनी से दूर रहना, तो हमको छोड़ दिया। हेलो, अरे मेरी बात सुनो, रोती क्यों हो तुम? ऐसे पानी पियो। ना ना, तुम पियो, तुम्हारी माँ का लो। ऐसे हिम्मत रखो, हिम्मत है तो जहाँ। ये लो, कैसा लगा खाना लिख दो। अभी मैंने खाया कहाँ यार, ये पिए तो है ना। नहीं, ये तो कोल्ड ड्रिंक है ना। ये कोल्ड यूरिन है। यार कैसा मूड खराब कर दिया इस औरत ने यार, है? चलो शुक्र है अमेरिका पहुंच गए हैं। मैंने सुना है अमेरिका में स्टार को लड़कियां ना चिपकती हैं ऐसे, ऊपर गिरती हैं। मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरी तो चुमियां लेंगी। अगर लड़कियां ज्यादा हो गई तो एक एक को तो मैं मिल नहीं सकता। रोहित जी माफ करना, गाना गाना ही पड़ेगा। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो, हमें गोरी गोरी इन बाहों में उठा लो, कहीं हम गिर ना पड़े। अरे 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 बेटा, सुदेश लहरी यार, हिंदी वो कहीं प्लेन वाला फिर हमें इंडिया तो नहीं छोड़ गया? नहीं नहीं, अमेरिका है बेटा, अमेरिका। अमेरिका में हूँ मैं? हाँ। यानी कि यहाँ मैं फेमस हो चुका हूँ? अब कृष्णा के साथ आओगे तो फेमस तो हो ही जाओगे। बेटा एक बात कहूँ? हाँ। भले कृष्णा टीवी पे सुंदर लगता हो, हाँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में तो तुम बदसूरत लगते हो। आंटी बेस्ती ना कर मेरी। बेस्ती से याद आया, राजीव ठाकुर आया था अभी शो करने के लिए, बड़ा मारा उसको। क्यों? सलोनी के बिना ही आ गया था वो। क्या हुआ? कृष्णा के बिना आ गया। अरे ना ना, तुम ना फिकर करो, तुमको कोई नहीं मारेगा यहाँ पे, क्योंकि कृष्णा तो तुम्हें खुद ही मार लेता है। ऐसे, ऐसे, ऐसे। बात बताओ, कृष्णा आया क्यों नहीं? वो सीक्रेट है थोड़ा सा, वो आजकल इंडिया में ना सुरेंद्र बन के शो कर रहा है। अच्छा, तो सुरेंद्र को कृष्णा बना के यहाँ ले आओ कभी। सुरेंद्र भी बहुत टैलेंटेड है वैसे। अच्छा? हाँ, सच्ची में देखो, बजाता बहुत बढ़िया, बजावे। इसको पता नहीं है। हाँ। ये सुरेंद्र नहीं, यही तो कृष्णा है। हाँ? यकीन नहीं आता? नहीं, अभी कराता हूँ। ताकी और ताकी और ताकी 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 रे ताकी देखा। अच्छा बेटा एक बात बताओ। हाँ? यहाँ कहाँ रुके हो तुम? मैम अभी फोन आया था ऑर्गेनाइजर का, कहते 5-स्टार होटल में ठहराएंगे मुझे। अरे ना ना भैया, तुम भी पंजाबी हम भी पंजाबी, हम घर पर रुकेंगे और तुम होटल में? ना ना,
मैं भी होटल में चलूंगी। वो यहाँ आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। अच्छा यहाँ आ रहे हैं। हाँ। अच्छा बेटा एक ऑटोग्राफ दे दो ना। आप जा रहे हो ना मेरे साथ होटल? हाँ। तो वहीं जाके ले लेना। अरे बेटा बुढ़ापा, क्या पता, वक्त का कोई पता नहीं कब मर जाए तू। या तो अर्चना ये होता है कॉमेडी सर्कस से प्यार, ये होता है। नहीं कॉमेडी सर्कस से प्यार नहीं है, एक बहुत लंबा किस्सा है। क्या? जब मैं जवान थी तो वीआईपी यहाँ शो करने के लिए आया था। ऐसी परफॉर्मेंस दी उसने, ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आज उसकी परफॉर्मेंस 6 साल की हो गई है। स्कूल में पढ़ती है बेटा, अगर तुम शो के लिए ना आए होते ना तो मैं तुम्हें जरूर कहती कि मुझे बम्बई ले जाओ और उससे मिलवा दो, उससे शादी करवा दो। आंटी शो को मारो गोली, शो तो और मिल जाएंगे, वीआईपी को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आओ नहीं तो उसने फाइनल में पहुंच जाना। ये बैठा रहा तेरी माँ का साकी, कहाँ चला गया? अरे पहले आशीर्वाद तो ले लो, 11-11 नंबर दे के शगुन दो काम कर। हाँ बेटा दो। तो अर्चना कैसा लगा इनका ये entertaining देश से विदेश का सफर? I'm so glad to see both of you back on this stage, अपने सही अवतार में। वो जापानी, वो चाइनीज वाला तुमने बहुत अच्छा किया कृष्णा, वेरी गुड। लाइक आई सेड नॉट अ परफेक्ट एक्ट, लेकिन इसमें वो सब था जो एक अच्छे और कृष्णा सुदेश एक्ट में होना चाहिए। सो हैट्स ऑफ, वेरी गुड। रोहित, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी कृष्णा की, आपने अपने आप को रिपीट नहीं किया, नए कैरेक्टर्स लेके आए, बट आप लोगों के परफॉर्मेंस ने बचा लिया इस एक्ट को, दैट्स ऑल। थैंक यू। तो जजेस ने कमेंट्स तो अच्छे दे दिए, अब देखते हैं स्कोर्स कितने अच्छे देखते हैं। अर्चना, अफसोस मैं शगुन के नजदीक नहीं आ सकती, लेकिन दैट्स अ परफेक्ट एंड। रोहित,